दोस्तों, हम इंसानों को लेकर अगर स्पेस साइंस में इस वक्त सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों की बात की जाए तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही कॉस्मिक इवेंट्स का सबसे अधिक ख्याल आता है, जिसमें से सबसे पहला तो एज यूजुअल सूरज का रेड जायंट बनना है, जिसके अकॉर्डिंग आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद इवेंचुअली हमारा सूरज धीरे धीरे काफी तेजी से एक्सपैंड होने लगेगा और उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह हमारी धरती को अपने अंदर पूरी तरह निगल लेगा। अब खतरनाक भविष्यवाणियों के इसी रेफरेंस में दूसरी सबसे रिमार्केबल और खतरनाक प्रेडिक्शन एंड्रोमेडा और मिल्की वे के कोलिजन को लेकर की जाती है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके तहत इस ब्रह्मांड के दो दिग्गज एक दूसरे से एक अकल्पनीय भिड़ंत को अंजाम देंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देंगे और हर उस चीज में लाखों स्टार्स और करोड़ों प्लैनेट्स का नाम आता है। अब वैसे तो इस घटना को लेकर यह दावा किया गया था कि यह आज से 450 करोड़ साल बाद घटनी शुरू होगी, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की भिड़ंत अभी हाल फिलहाल में शुरू हो चुकी है। क्लैरिफाई करने के लिए हम आपको पहले ही ये बता दें कि हम लोग यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी या फिर व्हाट इफ का एपिसोड नहीं बता रहे हैं, बल्कि इस बुरे सपने की सच्चाई बता रहे हैं जिसके बारे में इस जंग के माहौल में कोई गौर ही नहीं कर रहा है। आखिर क्या होगा इस भिड़ंत का परिणाम और क्या हमारी धरती भी इसकी चपेट में आ जाएगी, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं 2022 के सबसे गुमनाम खतरे से पर्दाफाश करने वाले इस एपिसोड को। दोस्तों, साल 2012 में जहां एक तरफ यह अफवाहें पूरी दुनिया में उड़ रही थी कि 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं साल 2012 में खतरनाक वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च को पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे की ओर बढ़ रही है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे और मिलकर एक कंबाइंड गैलेक्सी का रूप ले लेंगे। लेकिन इस पूरी रिसर्च को लेकर सबसे बड़ा ट्विस्ट या कहे कि सबसे अच्छी खबर यह थी कि किसी भी हालात में इस हादसे के आने वाले 450 करोड़ साल के वक्त के पहले घटने के कोई आसार नहीं बताए गए थे, जिसका मतलब कि इस खतरे से हमारी मानव सभ्यता पूरी तरह सुरक्षित मानी जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तब तक हमारी सभ्यता जीवित रहेगी इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन 20 फरवरी 2022 के दिन अचानक से एक ऐसी खबर आई जिसने हमारी धरती की पूरी किस्मत को ही पलट के रख दिया और वह खबर यह थी कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच का कोलिजन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आम तौर पर ऐसी ज्यादातर खबरें हमेशा विदेशों से ही आती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारी भारत का यूथ किसी काम का नहीं है, बल्कि हमारे भारत में भी हर गली मोहल्ले में एक से बढ़कर एक स्किलफुल लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे भारत में बेरोजगारी भले ही ज्यादा हो, लेकिन उससे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं लग पाता है और कुछ को या तो उनकी कैपेबिलिटीज से कम की नौकरी पर काम करना पड़ता है या तो उन्हें जॉब ही नहीं मिल पाती है। भारत की इसी बढ़ती बेरोजगारी को एक क्रांति की जरूरत थी और आज हम आपको एक ऐसे ही रिवॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी सारे यंगस्टर्स 10th पास से ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन यार कमाई करने के लिए कोई ढंग का जॉब ही नहीं मिल पाता। ऊपर से लॉकडाउन ने और भी लोगों को बेरोजगार कर दिया है और इसीलिए टू हेल्प ऑल द यंगस्टर्स मैं अपना ऐप के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एक मेड इन इंडिया फर्स्ट ब्लू कॉलर वर्कर्स फोकस्ड ऐप है, हेल्पिंग इंडिया टू गेट बैक टू वर्क। ये ऐप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इस ऐप में जोमेटो, अमेजोन, एयरटेल, रिलायंस जैसी कंपनीज है जो डायरेक्ट हायर करती है। आप डायरेक्टली एचआर को कॉल कर सकते हैं और इंटरव्यूज फिक्स कर सकते हैं। इस ऐप में आपको हर तरह की जॉब मिलेगी, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, इनके पास सभी के लिए जॉब्स है। अब चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, 8th पास हो 10th पास हो या फिर ग्रेजुएटेड। एंड ये एक हाइपर लोकल ऐप है, यानी कि आपको मैक्सिमम जॉब्स अपने घर के आसपास ही मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ केवल एक्टिव जॉब्स दिखेंगे जहाँ रिक्रूटर्स एक्टिवली हायर कर रही है। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ कम्युनिटी चैनल्स इनसाइड द ऐप जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे लोगों से जो कि सेम प्रोफेशन में है, विच मेक थिंग्स मोर इजियर। अब चीजों को और इजी बनाने के लिए मैं कुछ जॉब्स की डायरेक्ट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, जहाँ आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप एंड एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज। अब दोस्तों, जब पहले इसको लेकर इतना बड़ा टाइम डिफरेंस बताया जा रहा था, तो फिर अचानक से यह वारदात सुनने को क्यों मिला, इसे जानने के लिए समझते हैं आखिर इस बात का पता कैसे लगाया गया। वेल, ये पूरी रिसर्च बेस्ड थी प्रोजेक्ट एमिगा पर, जिसका फुल फॉर्म है एब्जॉर्प्शन मैप्स ऑफ आयोनाइज्ड गैस इन एंड्रोमेडा। अब दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि
कि आखिर वैज्ञानिक इस बात का पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी गैलेक्सी कहां पर खत्म हो रही है या फिर कौन सी गैलेक्सी किस बॉर्डर तक सीमित है। तो इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि किसी गैलेक्सी का हालो डिटेक्ट करके। हालो और कुछ नहीं बल्कि एक गैलेक्सी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसमें मौजूद गैस की मोटी परत होती है और उस मोटी परत में मौजूद सभी सितारों को आप हालो कह सकते हैं। और यह हालो आकार में तो वैसे बहुत बड़ा होता है लेकिन इसी को आप किसी गैलेक्सी का बॉर्डर लाइन मान सकते हैं और इन्हीं को देखकर यह पता चल जाता है कि कौन सी गैलेक्सी किस हद तक कितनी बड़ी है। हालांकि सुनने में भले ही लग रहा होगा कि किसी गैलेक्सी की आउटलाइन को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है लेकिन स्पेस डिस्कवरी में डिटेक्शन के बाद सबसे मुश्किल काम किसी आकाशगंगा के हालो को ढूंढना ही होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यह बॉर्डर लाइन इतनी धुंधली होती है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा स्पेस टेलीस्कोप हजारों बार उस लोकेशन की फोटो खींच लेता है लेकिन उनके फेंटेड नेचर की वजह से वैज्ञानिक कभी भी उन पर गौर ही नहीं कर पाते और इस वजह से कई बार हमें पता ही नहीं लग पाता कि आखिर किसी गैलेक्सी का एक्सटेंडेड या किसी गैलेक्सी का हालो असलियत में कहां पर मौजूद है। अब पुरानी स्टडीज के आधार पर पहले हम लोग एंड्रोमेडा के हालो को कहीं और समझा करते थे लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से प्रोजेक्ट अमीगा के अंतर्गत जब कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करके स्टडी किया गया तब यह पता चला कि हमारी सारी कल्पनाएं तो विश्वास के भी परे थे क्योंकि जिसे बेसिकली हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हेलो समझ रहे थे एंड्रोमेडा तो उससे भी आगे तक फैली हुई थी। और जब इसकी ट्रू लोकेशन के बारे में पता चला तो हम सब यह जानकर हैरान रह गए कि मिल्की वे का हेलो और एंड्रोमेडा का हेलो आपस में टकरा चुके हैं और शायद इन दोनों के बीच का टकराव शुरू भी हो चुका है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर 300 बिलियन स्टार्स वाली मिल्की वे और 1 ट्रिलियन स्टार्स वाली एंड्रोमेडा के टकराव से हमारी धरती और इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा। वेल दोस्तों टेक्निकली तो इन दोनों के कोलिजन से आउटर मोस्ट लेयर पर मौजूद रीजन में लाखों स्टार्स तबाह हो जाएंगे और लाखों नए स्टार्स बनेंगे भी। पर यकीन मानिए इन दोनों ही गैलेक्सीज के आउटर मोस्ट ग्रेविटेशन में गजब की उथल पुथल देखने को मिलेगी। ना जाने कितने ही सोलर सिस्टम रहेंगे ही नहीं क्योंकि टकराव के बाद होने वाले ग्रेविटेशनल डिजास्टर की वजह से कई सोलर सिस्टम के जरूरी एलिमेंट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे से कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर पहुंच जाएंगे और टेक्निकली एक सोलर सिस्टम नहीं रह पाएगा। अब लॉजिकली देखा जाए तो इससे बहुत सारी तबाही फैलेगी लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सौर मंडल और धरती की बात करें तो आगे आने वाले एटलीस्ट कुछ सालों तक तो हमें इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बात करें अगर कोलिजन की तो नो डाउट वो तो चालू हो चुका है लेकिन फिर भी इन दोनों गैलेक्सीज को काफी अंदर तक घुसने के लिए और प्रॉपर मर्जर बिल्डअप करने के लिए अभी कम से कम 2.5 बिलियन साल लगेंगे। और अगर नासा के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने इस बार सच में सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक डेटा के साथ जांच पड़ताल करने के बाद करी है तो आप ये मान सकते हैं कि आज से तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन साल बाद यह पूरा टकराव हमारी धरती के सौर मंडल पर असर करने लगेगा और मैथमेटिकली 2.5 ± 0.4 बिलियन साल बाद फाइनली हमारी धरती का नामो निशान या तो पूरी तरह से मिट जाएगा या धरती किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाएगी जहां पर उसके अस्तित्व का होना या ना होना एक बराबर ही रहेगा। हालांकि इस बात की तो 100% पॉसिबिलिटी है कि उस दौर को देखने तक हम इंसान जिंदा नहीं रहेंगे लेकिन सिर्फ 10 सालों के अंतराल में नासा वालों ने पूरे 2 बिलियन सालों का समय कम कर दिया है तो भगवान जाने कि आगे जाकर उनकी छोटी छोटी गलतियां हमें किस तरह से डराने वाली है। यार सच बताओ तो जैसे जैसे साल 2022 बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह साल कहीं से भी शुभ या लकी नहीं महसूस हो रहा। पहले ही शुरुआत में रहस्यमय सिग्नल धरती पर आ गए उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसा युद्ध शुरू हो गया जो संभवतः किसी भी वक्त विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अरे यहाँ तक कि बीच में तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भी धरती पर गिरने तक के आसार बनने लगे थे और अब तो सीधा धरती की ही विनाश वाली खबरें आ रही है। साल को शुरू हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कुछ ढंग का न्यूज सुनने को नहीं मिल रहा है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस साल के बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।